नालंदा नाट्य संघ के कलाकारों द्वारा नवरात्रि के नवमी को आयोजित जागरण सह सांस्कृतिक कार्यक्रम में भगवान शिव और कामदेव की कहानी पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से समाज की कुरीतियों को दूर करने का संदेश दिया गया। नाटक का उद्घाटन भावी लोकसभा प्रत्याशी नालंदा संजय राजेश ने किया। उन्होंने कहा कि नाटक एक शक्तिशाली माध्यम है जिसका उपयोग समाज को जागरूक करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नालंदा नाट्य संघ के कलाकार प्राचीन परंपराओं को सहेजने और समाज को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। नाटक के मंचन में नालंदा नाट्य संघ के कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया। नाटक के माध्यम से उन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नालंदा नाट्य संघ के कलाकारों द्वारा 1955 से लगातार प्राचीन परंपराओं को सहेजते हुए नाटक जैसे कार्यक्रमों को जीवंत रखा हुआ है। नालंदा नाट्य संघ के कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक सामाजिक विषयों पर नाटक के माध्यम से समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। नालंदा नाट्य संघ के अध्यक्ष ने बताया कि उनके संघ के कलाकार प्राचीन परंपराओं को सहेजने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम के मौके पर उद्घाटनकर्ता समाज सेवी सह लोकसभा प्रत्याशी संजय राजेश, अध्यक्ष रजनी सदस्य, उपाध्यक्ष राकेश साव, सचिव संजय कुमार डिस्को के अलावा नालंदा नाट्य संघ के सदस्य ऋषिकेश कुमार, अमित कुमार, अनिल उर्फ गुड्डू, चितरंजन, सनी कुमार, पृथ्वी कुमार, मिश्री कुमार, सुधीर कुमार, पप्पू पेंटर, दिनेश कुमार, राजेश कुमार, सुनील कुमार, अजय कुमार मौजूद रहे। लगातार 1955 से नालंदा नाट्य संघ जागरण एवं संस्कृति कार्यक्रम एवं भव्य नाटक करते आ रही है दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, लेकिन इस बार प्रशासन के आदेशानुसार हम लोग 11:30 बजे कार्यक्रम को बंद कर दिए। किस तरह का कार्यक्रम होता है यहाँ? यहाँ जागरण होता है, संस्कृति कार्यक्रम होता है, अब नाटक का प्रचलन है। नाटक होता है जो समाज में कुरीतियों को खत्म करता है सामाजिक नाटक के द्वारा। दर्शकों के बीच में सारा कलाकार बहुत वर्षों से करते आ रहे। कब से इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ? 1955 से। यही कलाकार जी।